फाउंडर ऑफ हसन जई सिंस 1970, जिनकी कोयला कढ़ाई, चरगा और मजे मजे के खाने तो वैसे ही बड़े मशहूर हैं। इनका नाजमाबाद नंबर 2 पे मौजूद रेस्टोरेंट हसन जई ब्रोस्ट, जो कि स्पेशली ब्रोस्ट लवर्स के लिए ओपन किया गया है। चिकन क्रिस्पी ब्रोस्ट की यहाँ पे बड़ी जबरदस्त सी डील चल रही है। एक चिकन क्रिस्पी ब्रोस्ट, इनका बारबेक्यू, एक सीख कबाब रोल, ब्रोस्ट की सर्विंग के साथ फ्राइज, बन, रायता, केचप, ये सारी चीजें सिर्फ 350 रुपए में। वैसे तो इनके पास तरह तरह की ब्रोस्ट मिल जाएंगे आपको। हमारा जो ना वो ब्रोस्ट बड़ा फेमस है, ब्रोस्ट ही है। और ब्रोस्ट के अंदर हमारे पास 6 किस्म की वैरायटी होती है। अच्छा, जिसके अंदर हमारे पास मायो गार्लिक का ब्रोस्ट है, सोसी का ब्रोस्ट है, चटपटा ब्रोस्ट है, हमारा नॉर्मल है, चीजी ब्रोस्ट है हमारा, और एक स्पाइसी है हमारा। अच्छा हाँ, और ये डील एक्सक्लूसिव जैप पे चल रही है। तो जैप को यूज करते हुए 5 किलोमीटर के रेडियस पे आप डिलीवरी भी करवा सकते हैं, और इन स्टोर का फीचर यूज करते हुए यहाँ पे आके ऑर्डर पिक भी कर सकते हैं। तो आइए इनका फूड ट्राई करते हैं और रिव्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं मौजूद हूँ अभी हसन जई ब्रोस्ट, देख सकते हैं हम यहाँ मौजूद है हसन जई ब्रोस्ट। अच्छा, ये जो डील है वो आप लोग को पता भी लग चुकी है। मैं यहाँ के ऑनर से पहले बात कर लूँ, फिर उसके बाद जो है वो बनते हुए भी आपको दिखाएंगे और रिव्यू करके बताते हैं। तो चलते हैं, आ जाएं ऑनर से बात करते हैं। अच्छा, ये जो है ना बड़ा साफ सुथरा सा इनका जो है वो किचन बना हुआ। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई, कैसे हैं? अल्लाह का करम, लगे हुए काफ़ी काम के अंदर मसरूफ चल रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अभी थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ, आप लोग हसन जई ब्रोस्ट जो है वो, वैसे कोयला कढ़ाई तो बड़ी मशहूर है कराची के अंदर हसन जई की, हसन जई ब्रोस्ट आप लोगों ने, वैसे आपकी स्ट्रेंथ भी नाम से लग रहा है ब्रोस्ट ही है, तो हसन जई के बारे में बताइएगा थोड़ा। लोग तो कोयला कढ़ाई जानते हैं, मैं तो मेरे हिसाब से, तो बेसिकली हम तो 1970 से हम फाउंडर ऑफ हसन जई है, और जो ना 1970 से हमारा काम है। तो स्टार्ट कोयला कढ़ाई से लिया था क्या? नहीं, हमारी फ्राई का रेस्टोरेंट था खामोश कलनी में, फिर उसके बाद हम जो ना वो शाराए कायदीन का हमने रेस्टोरेंट बनाया, और अब हमने यहाँ पर जो ना नाजमाबाद मल्टी चौक में शाराए कायदीन, जो कि काफी फेमस है, जहाँ पे सारी चरगा ब्रोस्ट कोयला कढ़ाई, वहाँ पर हमारे पास कढ़ाई होती है, चरगा होता है, ब्रोस्ट होता है, आइसक्रीम वगैरह होते हैं, फ्रेश जूसेस वगैरह। तो ये वही ब्रांच है? जी उन्हीं की, बिल्कुल। तो ये वही ब्रांच है भाई, मतलब आपकी टोटल कराची में कितने ब्रांच है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी 3 ब्रांच है। अच्छा माशाल्लाह, जी जी बिल्कुल। मैं देख रहा हूँ भाई, वैसे अभी बैक टू बैक रश लगा हुआ है काफी, आप देख भी सकते हैं। तो आपकी, मैं कहूँगा सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ क्या है? नाम से तो ब्रोस्ट ही लग रहा है, वैसे भी क्या है? हम बेसिकली जो ना वो हम यहाँ चला रहे हैं हसन जई ब्रोस्ट के नाम से, तो हमारा जो ना वो ब्रोस्ट बड़ा फेमस है, ब्रोस्ट ही है। और ब्रोस्ट के अंदर हमारे पास 6 किस्म की वैरायटी होती है। वैसे देखें फास्ट फूड का तो आपको खुद आइडिया होगा, बहुत अच्छे जानते हो कितना कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, तो कौन सी चीज ऐसी जो आपको अलग कर देती है दूसरों से? मतलब मैं कहूँ की क्वालिटी है क्या, मतलब आप लोग? हमारे पास अच्छी क्वालिटी आपको मिलेगी, चीजों पर जो ना हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, वेरिएशन नहीं है, मतलब ऐसा नहीं आज खा कल अलग, ना ना ऐसी चीज नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमने कम टाइम पे जो ना अच्छा नाम कमा लिया है माशाल्लाह। जबरदस्त। तो वैसे आप लोग जो है वो सॉसेज हो गए, ऑयल हो गए, तो ये इन सब चीज़ों सॉसेज वगैरह हम जो ना वो मल्टीनेशनल कंपनीज के इस्तेमाल करते हैं, यंग्स वगैरह के, नेशनल वगैरह के, इसका इस्तेमाल मतलब इसी लोकल इस कॉस्ट में निकल जाता है जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बरकत करा देता है। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह ताला करा देता है, जो जो चीज़ अल्लाह पे छोड़ देना बंदा, फिर उसके बाद कहाँ से होता है आपको नहीं पता लगता। तो अभी आपकी कॉल्स भी आ रही है, तो मुझे बताइएगा कि जो ब्रोस्ट की डील आपने दी है 350 रुपीज़ के अंदर, आप ब्रोस्ट भी दे रहे हैं? जी जी, और इसके साथ एक सीख कबाब का रोल भी है, कबाब भी रोल हो रहा है। तो ये ब्रोस्ट के साथ सर्विंग में क्या क्या होगा? इसके साथ बन होगा, रायता होगा और फ्राइज होगी। मतलब जो नॉर्मल सर्विंग है वही है? ये वही है, बिल्कुल वही चीज़ होगी जो आप नॉर्मली यहाँ से लेते हैं। ये नहीं मतलब डील आ रही है तो ऐसा नहीं है कि डील में जो है वो चीज़ कम हो जाएगी या क्वालिटी में कोई कम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, सेम वही चीज़ आपको मिलेगी। तो हम ये दिखाएंगे थोड़ा सा किचन अगर? जी जी बिल्कुल आएँ, बहुत सही है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो आपके जो है वो ये फास्ट फूड के आइटम बन रहे हैं? जी जी बिल्कुल, ये हमारे फास्ट फूड है, और ये बराबर में हमारे पास चाइनीज का सेक्शन है। अच्छा, चाइनीज भी बन रहा होता है? हाँ, चाइनीज भी होता है हमारा, इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये शेफ चॉइस बिल्कुल शेफ का, जबरदस्त भाई। तो कनास का आप लोग केचप यूज कर रहे हैं? केचप इसका यूज करते हैं, जबरदस्त। तो बाकी जो है वो यही सारी चीज़ें हमारे जो ऑफर डील में चल रही है, यही सब चीज़ें क्वालिटी गिरने के लिए हम तो एक कदम आगे ही जाएंगे, हम कस्टमर को ये कहेंगे कि अगर वो अंदर भी आ जाए तो कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। ओपन किचन है भाई, ओपन किचन है, यूसुफ भाई के जो है वो दिल भी काफ़ी खुला है, किचन भी खुला हुआ है, नहीं कोई इशू नहीं आ जाए। तो यूसुफ भाई मैं ब्रोस्ट ट्राई करके बताऊंगा आपको, ठीक हो गया, तो फिर उसके बाद बात करेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, चलते हैं फिर इसका फूड ट्राई करते हैं। तो गाइज, फाइनली फूड जो है हमारा सर्व हो चुका है, और हम हसन जई ब्रोस्ट के जो है वो बिल्कुल रेस्टोरेंट के साथ ही मौजूद हैं, और यहाँ पे जो है वो वैसे तो मेन्यू के अंदर यार बेशुमार आइटम्स हैं आपको मिल जाएंगे, और हसन जई बहुत पुराना नाम है, इनकी ब्रांचेज भी हैं काफ़ी, और यूसुफ भाई के ज़माने आपने सुन भी लिया सारी चीज़ें। मेरे सामने जो है भाई बड़े ज़बरदस्त आइटम रखे हुए हैं, एक तो इनका बीफ रोल बड़ा ज़बरदस्त, हमारे सामने बीफ सीख रोल जो हमारे सामने बना है वो बड़ा हैवी लग रहा है, चेक करें, ये मैं टिश्यू पे हटा देता हूँ, ये अब चेक करें, ऑलमोस्ट इसके अंदर जो है वो एक बड़ी तगड़ी सीख गई हुई है। और ये क्वार्टर ब्रोस्ट जो कि हमारा डील का पार्ट है, इसमें आपको जो है वो फ्राइज,
इनका जो है इनका ब्रोस्ट का जो रायता होता है वो, केचप और हमारा जो बन है, वो सारी चीज़ें हैं। और वैसे तो चीज़ी ब्रोस्ट भी मिल जाएगा, मगर डील हमारी जो है वो इन दोनों चीज़ों की है। और 350 रुपीज़ हमारी डील जो चल रही है, मैं कहता हूँ इस महंगाई दौर में ये सारी चीज़ें क्वालिटी मेंटेन करते हुए दे देना, ये एक सेल्फ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इनका ब्रोस्ट क्लोजली दिखाता हूँ, चेक करें बिस्मिल्लाह मंजरी। ब्रोस्ट आपको खुद बोल रहा होगा, देख के भी आपको आइडिया हो रहा होगा कलर और अंदर का जो इसकी जो कितना जूसी हो रहा है। ये सारी तारीफ़ें मैं खाने से पहले कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले भी एक जो है वो चख भी चुका हूँ, तो मुझे बहुत स्ट्रांगली आइडिया। मैं बिस्मिल्लाह मंजरी दोबारा बता रहा हूँ। ओए होए, मैं कहूँगा कि क्लोजली देखें आपको आइडिया होगा कि कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी ये जूसी हो रहा है। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है केचप की ना सॉस की, मैं आपको बता रहा हूँ फ्लेवर जो है ना सारा इसी के अंदर ही है। ओए होए, मैं जो है वो उसे डिप में लगा के ट्राई करता हूँ कि ये सॉस के बाद कैसा टेस्ट दे रहा है। रहता है एग्जैक्टली वैसा ही, जो एक टिपिकल हम जो ब्रोस के साथ खाते हैं सेम वैसे ही रहता है। मगर मैं आपको बताऊँ ना रायता ना केचप किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। डील जो है वो हमारी मेन्यू के आइटम्स तो काफ़ी मिल जाएंगे, मगर डील हमारी सीख कबाब रोल और क्वार्टर ब्रोस्ट इसके ऊपर है। और 350 रुपीज़ के अंदर आपको ये एक्सक्लूसिव जैप के ऊपर मिलेगी, यहाँ से आके लेंगे मेन्यू में प्राइसिंग डिफरेंट आएंगे। चीज़ें यार ऑयल इतना हैवी नहीं हो रहा, मैं इनका जो है वो रोल भी ट्राई करके दिखाता हूँ आपको। हमारे सामने लाइव बन रहा था, अभी देखने में तो काफ़ी तगड़ा लग रहा है। पूरी पराठे पे बना हुआ रोल, चटनी और प्याज भी मेरे ख़ास इसमें गई थी। ये देखें, मैं पहले कबाब दिखाऊं आपको, ये चेक करें। ओए होए होए, सीख का आइडिया हो रहा होगा आपको कितनी भारी सीख गई है इसमें। मैंने जो है वो उसका हशा नशा कर दिया सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। बिस्मिल्लाह मंजरी, मैं ट्राई करता हूँ। चटनी मेरे हिसाब से थोड़ी कम होनी चाहिए थी। पूरी पराठा इन्होंने काफ़ी तगड़ा नहीं बनाया हुआ, काफ़ी हल्का सा है। असल जो कबाब है ना उनका वो काफ़ी हैवी है। इनका जो कबाब है थोड़ा स्पाइसी भी है, तो मेरा जो नंबर वन है ना वो इनका ब्रोस्ट है। और वो इनका नाम भी हसन सही ब्रोस्ट है, इनकी स्ट्रेंथ ही ब्रोस्ट है। बाकी जो है वो चीज़ ही ब्रोस्ट भी हमारे सामने मौजूद है, मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। उसमें लेमन रही टाइम आ गया वीडियो का एंड करने का। यहाँ पे आप नियरेस्ट 5 किलोमीटर की रेडियस पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, यहाँ इंस्टोर का फीचर यूज़ करते हुए जैप का आके यहाँ पे भी अवेल भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का आप एंड करते हैं यार, मैं तो सारी चीज़ें निपटाता हूँ और फिर उसके बाद जो है मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।